नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों फिर से बात कर रहे थे आज हमारे ओल्ड पैनी स्टॉक के बारे में। बहुत अच्छा पैटर्न स्टॉक बना रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन इसको बोला जाता है। 1 रुपए का शेयर है, प्रमोटर्स की मोर देन 51% की आसपास की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। 20 से लेकर 1 रुपए के आसपास अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये आपकी मतलब मेरी खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है वो बता देता हूँ। ये स्टॉक पर्सनली मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, ठीक है। तो प्लीज एक बार खुद की स्टडी एड कर लेना, ये डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पर्सनली मेरे टारगेट स्टॉक में अच्छे खासे टारगेट है जिसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि 1 रुपए का शेयर है अगर 3 से 4 गुना होता है तो 300-400% का गेन होता है, जो बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है अगर 2 साल में भी अचीव हो जाती है, ठीक है। तो स्टॉक का नाम आपको सीधा दिखाता हूँ और स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है, ये जो आपको यहाँ लिखा ना चीजें, इसी वजह से स्टॉक अच्छा लग रहा है, बस और कुछ रीजन नहीं है। प्रॉफिट बेकार आ रहे, ठीक है। चार्ट पैटर्न मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने वही जो अपना रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाए, हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो ये टाइम के साथ हमें पता चल जाएगा। तो आप भी आराम से देखिए, 2-1 साल के बाद आपको पता कुछ चल जाएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या प्राइस हो गया है। तो उससे पहले एक बार स्टॉक का नाम देख लो अगर आपको नाम नहीं पता है। सबसे पहले आप पैटर्न देख लो कि स्टॉक पैटर्न किस पैटर्न से दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। मैंने कुछ स्टॉक को खुद 1 रुपए 18 पैसे 20 पैसे में बाय भी किया था, एवरेज भी किया था। देखो ये एक रीजन यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक सेकंड रीजन यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो यही आप स्टॉक टाइम बिता रहा है। दोबारा 1-15-1-20 आ रहा तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। स्टॉक के अपसाइड रेजिस्टेंस है 1 रुपए 90 पैसे 1 रुपए 90 पैसे के आसपास। तो 1 रुपए 90 पैसे स्टॉक में जाते हुए नजर आ रहा है या 2 रुपए तक जाते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक के जो अगले टारगेट है रेजिस्टेंस है मोटा मोटी वो है 4 रुपए के आसपास। तो रिपीट कर दू, 1-15 में आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, 1-90 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर 2 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक के 5 रुपए के टारगेट है। 5 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक के भैया बहुत तगड़े टारगेट है जिसके बारे में मैं आपको किसी और दिन बतलाऊंगा, ठीक है। या तो 400 रुपए का आपको दिख रहे, ठीक है, लेकिन अगर इसको आप गूगल चार्ट में देखोगे तो आपको 20 रुपए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक ने स्पीड और बोनस की दिया था, तो इसी वजह से ये प्राइस आपको इतना बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्टॉक का नाम देख लो, ये रहा स्टॉक का नाम, ये है रोल्टा टेनर्स करके, वहीं घूमने में लगा है। तो यही बोलूंगा बहुत दिनों से यहीं घूम रहा है और अभी और घूम सकता है, यहाँ पर जितना मर्जी है यहाँ पर घूमे बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो एकमात्र रीजन जो मैंने आपको बताया ना, क्या स्टॉक में क्या अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, और कुछ अच्छे नहीं है, सिर्फ यही अच्छी मुझे नजर आती है। 51% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है स्टॉक में, तो यही रीजन बना स्टॉक आपके साथ वीडियो शेयर करने का। साथ में टेक्निकल एनालिसिस में हमारा वो पैटर्न बना जिसको बोलते हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न, तो वो पैटर्न में बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को प्लेस करना है और आपको इंतजार करना है, चुपचाप करके इंतजार करना है। इंतजार करोगे तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। प्लस छोटी प्रमोटर्स की ना के बराबर है और देखो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप चाहो तो देखो, इस वजह से मैंने आपको रीजन गिनवा दिए, 1 या 2 रीजन है बस, ठीक है। चाहो तो स्टॉक को नजरों में रख सकते हो, एनएससी बीएससी का छोटा सा पैनी स्टॉक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पैनी स्टॉक में आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स के बियॉन्ड जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक सम लॉस, ठीक है। रूल्स को फॉलो करोगे तो लॉस नहीं है भाई, ठीक है, मर्जी आपकी। अब देखो 82% डिलीवरी स्टॉक में एनएससी में उठाई गई है, 4.5 लाख शेयर के आसपास यहाँ डिलीवरी हमें देखने को मिलती है एनएससी में, ठीक है। तो बीएससी में सेम आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। समाप्त करता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर।